बयालीस लाख की संपत्ति जब्त की है और आरोप लगा है बीजेपी की तरफ से कि इसकी संपत्ति वैल्यू करोड़ों में है। आप लोगों ने देखा कि कल ईडी ने शाम को ये सारे चैनलों में चलवाया कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, 52 करोड़ की संपत्ति, जबकि जो संपत्ति जब्त की गई वो केवल दो फ्लैट हैं जो कि 2018 के पहले के हैं, जबकि एक्साइज पॉलिसी आई नहीं थी, उसका कोई लेना देना नहीं है। एक नंबर में डिक्लेयर्ड है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड है, उनके इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर्ड है। एक फ्लैट उन्होंने 2004 या 5 में खरीदा था 5 लाख रुपए का, एक फ्लैट उन्होंने 2018 में खरीदा था 65 लाख रुपए का और 11 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में, बस ये है टोटल। इसका दूर दूर तक शराब घोटाले, कथित शराब घोटाले, तो कल इससे कोई लेना देना नहीं है घोटाले, किसी घोटाले से। तो इसका मतलब ये है साफ साफ कि कोई घोटाला नहीं हुआ। हम एक साल से कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ, जानबूझ के जबरदस्ती केवल और केवल प्रधानमंत्री जी से दिल्ली की आम आदमी पार्टी संभल नहीं रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इतना शानदार काम कर रही है, इतना शानदार काम कर रही है, उनका एक ही मकसद है किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के कामों को रोकना, आम आदमी पार्टी के कामों में अड़चन पैदा करना, तरह तरह से सीबीआई से, ईडी से, पुलिस से, और वो और आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। ये पूरा का पूरा शराब घोटाला आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं